हे भगवान मुझे बचा लो, अगर मैं बच गया तो मैं एक चर्च बनाऊंगा। ये वर्ड्स थे कर्नल जेम्स स्किनर के। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आपका स्वागत है। आज जो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये एक चर्च है, दिल्ली में है, पर इतना फेमस नहीं है जितना इसको होना चाहिए। एक्चुअली में कहें तो दिल्ली का फर्स्ट चर्च यही है। कनॉट प्लेस में जो चर्च हम देखते हैं वो इसके बाद बना। लोकेशन बता देता हूं इसकी, कश्मीरी गेट स्टेशन के बिल्कुल सामने। अगर आप चलते जाएंगे कश्मीरी गेट मार्केट आएगी और मार्केट के बिल्कुल अंदर बिल्कुल साथ में ये चर्च है। चलिए देखते हैं सेंट जेम्स स्किनर चर्च कश्मीरी गेट। सेंट जेम्स स्किनर जो कि कर्नल की रैंक पे थे, एक एंग्लो इंडियन थे। टोंक के वॉर में वो इतने घायल हुए थे कि उन्होंने एक तरह से मन्नत मांगी थी कि अगर मैं बच गया तो मैं एक चर्च बनाऊंगा, और वो बच गए। और इसलिए उन्होंने 1826 के अंदर इस चर्च का निर्माण किया। ये चर्च बेसिकली फ्लोरेंस कैथेड्रल जो इटली का है उसका रेप्लिका है। इटली के अंदर जो चर्च है और जो डिजाइनर्स थे वो वहीं के थे, और इसी चर्च को फर्स्ट चर्च की उपाधि भी दी जाती है, दिल्ली का फर्स्ट चर्च। छोटे तौर पे ही समझाया जाए तो 1857 का जो गदर हुआ था उससे भी ये चर्च अप्रोक्सीमेटली 20 साल पुराना चर्च है। तो 57 का जब गदर हुआ, आज हिंदुस्तान 2018 में है और 1857 में हुआ। 1790 में अमेरिका बना है। अमेरिका बनने के ये कह सकते हैं 36 साल के बाद ये चर्च बना, और 2018 है। उस समय की करेंसी के हिसाब से 95,000 रुपए में ये चर्च बना था। जेम्स स्किनर सर, जिनकी मां राजपुतानी थी और फादर एक स्कॉटिश थे, इनका इंडियन आर्मी के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने स्किनर रेजिमेंट ओपन किया था, स्किनर हॉर्स रेजिमेंट, जो आज भी चल रही है, आज भी प्रचलित है। 1857 के गदर के समय में कई सारे ब्रिटिश फैमिलीज जो उस समय कश्मीरी गेट के आसपास रहा करती थी इस चर्च के अंदर पनाह ली थी, और ये चर्च 1857 की क्रांति के अंदर कई बार टूटा भी था, नुकसान भी इसको पहुंचा था। मैं हिसार से बिलोंग करता हूं, और जो मेरे हिसार के दोस्त हैं, हिसार में एक जगह है पीगी कोठी, उनकी जानकारी के लिए बता दूं पीगी कोठी के अंदर जेम्स स्किनर ही रहा करते थे, और हिसार और हांसी के वो हेड थे। उनकी डेथ भी 1841 में हांसी में ही हुई थी। उस समय कुछ दिन के लिए वहां पे उनकी डेथ हुई थी तो वहां पे दफनाया था। उसके बाद उसकी उनकी बॉडी को इस जगह पे लाया गया। आज भी सिकंदर साहब का परिवार और सिकंदर साहब
जिन्हें जेम्स स्किनर भी कहा जाता था, प्यार से उनका नाम सिकंदर साहब था, आज भी उनकी जो कब्रें हैं वो इसी चर्च के प्रांगण में है, इसी चर्च के पेरेमिसिस में है, आप देख सकते हैं। ये कब्र जो है मेमोरियल, ये बेसिकली विलियम फ्रेजर जी का है, जो 1836 में इनकी जिनकी डेथ हुई, और इनका जो बंगलो था वो बिल्कुल इसके इस चर्च के बैक साइड पे था। लोकेशन मैं समझा देता हूँ आपको, बिल्कुल कश्मीरी गेट के ऊपर ये चर्च स्थित है, कश्मीरी गेट से वॉकिंग डिस्टेंस है। आप यहाँ आए, दिल्ली का फर्स्ट चर्च फेमस नहीं है लेकिन इसकी जो आर्किटेक्चर खूबसूरती है वो बहुत है, और इस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो अभी अंदर मैं प्रीमिसेस में नहीं जा पा रहा हूँ, जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। मेरा सजेशन है आप एक बार आइए जरूर, हिस्ट्री के पन्नों को देखिए, जो फेमस चीजें हो जाती हैं उनके उन पर तो काफी लोग जाते रहते हैं यहाँ पे, मतलब वो फेमस हो जाती है, उनको काफी मॉनेटरी टर्म्स में, प्रोफेशनल टर्म्स में उनका काफी फायदा होता है, बट ये चीजें ऐसी हैं जो कि फेमस होनी चाहिए लेकिन हुई नहीं। नामी ग्रामी है, विजिट कीजिए कश्मीरी गेट के बिल्कुल अंदर, आपकी नजर से 50 बार गुजरा भी होगा लेकिन इसकी हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, तो आइडिया होगा, और इस आर्किटेक्ट, इस चर्च या इस बिल्डिंग के प्रति आपको एक रिस्पेक्ट आएगी।